मैं हूँ पहलाज हसन एंड सबसे पहली चीज़ सबको बकरा ईद मुबारक। मैं अभी उठा हूँ, मैंने कहा था मैं 10 बजे उठूंगा लेकिन फिर मैं सोता रहा और मैं 12 बजे जाके उठा और बकरे ज़बह हो गए हैं और दादो बना रही कलेजी। तो अब जिस तरह कि आपको पता होगा कि कोरोना चल रहा है और कुर्बानी करना काफ़ी मुश्किल है, तो बजाय कि हम गोश्त हैं, हमने वो सारा का सारा गोश्त कढ़ाई में बनवाने के लिए भेज दिया और वो ही कढ़ाइयाँ हम बेचेंगे नहीं, हम उनको जाके डोनेट करेंगे, जिसके आप मंजर अभी वीडियो में जाके आगे देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ इस घर में मनाजे क्या होते हैं बकरा ईद पर। ये देखिए, ये जितना भी गोश्त है ये हमने डोनेट करना है, इसकी हमने कढ़ाई बनानी है। अब ये थोड़ी देर में हम भेज देंगे और वहाँ से कढ़ाई बन के आएगी। फिर से हम इसीलिए गोश्त प्रॉपर नहीं दे रहे क्योंकि सारी चीज़ें कोविड की वजह से बहुत महंगी हो गई हैं, प्याज टमाटर। जैसे कि आप देख सकते हो उस वक्त मैं तैयार नहीं था, खाना खा लिया और अब तकरीबन हो गए हैं 2 बजने वाले। तो अभी हम जा रहे हैं बट कढ़ाई, जहाँ मैं आपको सारे के सारे मंजर दिखाऊंगा कि हम कैसे कढ़ाई बना रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गो। और मैं अगर बोलता रहूंगा हर डब्बा करूंगा तो काम बहुत स्लो होगा, तो टाइम लैप्स में आप ये सब देखें।
साथ ही करना पड़ा, लेकिन आधे तो भी तो मैं फटाफट ये मैं फटाफट एक चौड़ी दिखा दी। एक डब्बा है, वहाँ से मैंने डब्बा पकड़ा, खोला, ये बट कढ़ाई का पैकेट वहाँ से उठाया, यहाँ डाला, रोटी उठाई, इस तरह रखी, इसको ऐसे किया, इसको इस तरह बंद किया, इस तरह किया और वहाँ रख दिया। तो मैंने कम से कम जितने भी यहाँ थे सिर्फ 3 बज गए, बाकी लोग भी कर रहे हैं। और अब हम जाएंगे गाड़ी में और वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राशन। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं 5-6 करूँगा, बाकी जो लोग होंगे वो जाके कर देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि हम करेंगे क्या। लेकिन अभी के लिए इस तरह मैंने पैक किया एंड नाउ लेट्स शो यू द सिनेमैटिक्स। तो पहला एक अच्छा काम करते हुए गर्मी में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा काम करने तो अच्छा लग रहा है, लेकिन काश हम 5-6 बजे निकल रहे तब भी धूप चली जाती। दोपहर के खाने का टाइम नहीं होता ना, बहुत गर्मी है। अभी गाड़ी में आया हूँ, ये पूरी चीज मेरी सेख रही है और अभी हम जाने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। पीछे गाड़ी में हम लगवा रहे हैं, डब्बे रखे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड ड्रॉप अ लाइक इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब। एंड व्हाई आर यू डूइंग सो वेल? मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जो कुर्बानी देते हैं उनको मेरे व्लॉग्स इंस्पिरेशन मिले, मेरे फैंस हैं उनको इंस्पिरेशन मिले। और ये सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, ये वैसे मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इंस्पायर हों। अगर आपकी मर्जी, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कढ़ाई बनवाएं, ये तो है कि हमने डोनेट किया, तो अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो गोश्त भी दे। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं तो अपना गोश्त को एक ऐसी चीज़ में बनाएं जो आप लोग जो बेसिकली अनप्रिविलेज के लिए फ़ायदेमंद हो। गोश्त भी है लेकिन उनको काफ़ी चीज़ें अपने आप से भी स्पेंड करनी होगी जो उनके जो अल्लाह ने उनके नसीब में नहीं दिया। गरीब है, उनको बेचारों को बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अगर आप लोगों को मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कोई चीज़ बनवा दें, बेशक घर में बना के अगर आप दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन अगर गोश्त देना चाहते हैं तो दैट्स गुड इज़ वेल। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग इज़ वेल। अभी ख़त्म नहीं हुआ, प्लीज़ अभी नहीं, हाँ लेकिन अभी ख़त्म होने वाला है। एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विद नोटिफिकेशन बेल्स ऑन, ताकि जब भी मैं व्लॉग बनाऊँ, जो कि अब मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ, पहले तो मैं 2-2 महीने बाद कर रहा था, लेकिन अब मैं फ्रीक्वेंटली करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको हमेशा मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड कीप वॉचिंग टू द एंड। अब हम निकल गए हैं, हमने सारा कढ़ाइयाँ वगैरह ले ली हैं, चपाती सब कुछ ले ली हैं, पीछे पड़ी हुई हैं। और मैंने यहाँ कहा था कि सिर्फ हम लेस प्रिविलेज को देंगे, लेकिन नहीं, हम लेस प्रिविलेज को तो देंगे लेकिन हम उनको भी देंगे जो ईद के दिन हमें सर्व करें। पहले ईद में हम लोग घर जाते थे किसी के मेहमान के, इस दफ़ा तो हम सारे अपने प्यारों के साथ घर पे ही हैं, लेकिन जैसे लोग हैं जो बाहर निकले हुए हैं और हमारी कंट्री को सर्व करें, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पुलिस, कुछ अच्छी पुलिस होती है, ज्यादातर अच्छी, कुछ ऐसी होती है जो मेरे बाबा को कल मारते हैं, और CBC को एग्जाम्पल ले लें, वो कूड़ा समेट रही है, हालांकि इतनी गर्मी है और ईद है आज, हर जगह बकरे होते हैं तो कूड़ा समेट रही है। इसीलिए हम सिर्फ लेस प्रिविलेज को नहीं देंगे और हम उन लोगों को भी देंगे जो हमारी कंट्री सर्व करें। सो विदाउट एनी फर्दर डू चले हम कढ़ाइयाँ पर। वाले दिन भी जो है ना वो थैंक यू जी।
ऐसे लोग हैं जो बाहर निकले गए और हमारी कंट्री को सर्व करें, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पुलिस, कुछ अच्छी पुलिस होती है, ज्यादातर अच्छी, कुछ ऐसी होती है जो मेरे बाबा को कल मारती है, और सीबीसी को एग्जाम्पल ले लें, वो कूड़ा समेट रही है